देशवासियों के जीवन को, देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें हम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7000 प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी। और इससे हमेशा कहा जाता है, ऐसे संकट की घड़ी में जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया जाए ताकि आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, उसके जुड़े हुए कई काम एक साथ चल जाते हैं, छोटे बड़े उद्योग, किसान, हर मध्यम वर्ग को इसका बहुत लाभ होता है। और आज मैं एक बात स्मरण करना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज की एक बहुत बड़ी दूरगामी असर पैदा करने वाली योजना को प्रारंभ किया था और देश के रोड नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट जनरेशन पर ले गए थे। आज भी वो स्वर्णिम चतुर्भुज की तरफ देश बड़े गर्व से देख रहा है। हाँ, हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है, देख रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अटल जी ने अपने समय में ये काम किया, लेकिन अब हमें उसे आगे ले जाना है, हमें नई और ले जाना है। और अब हम साइलोज में नहीं चल सकते। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रोड का रोड वाला काम करेगा, रेल का रेल में चला जाएगा, न रेल का रोड से संबंध, न रोड का रेल से संबंध, न एयरपोर्ट का पोर्ट से संबंध, न पोर्ट का एयरपोर्ट से संबंध, न रेल स्टेशन रेलवे स्टेशन का बस से संबंध, बस स्टेशन से संबंध, न बस स्टेशन का रेलवे, ऐसी स्थिति नहीं चले। अब हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉम्प्रिहेंसिव हो, इंटीग्रेटेड हो, एक दूसरे के पूरक हो, रेल से रोड पूरक हो, रोड से सी पोर्ट पूरक हो, सी पोर्ट से पोर्ट पूरक हो। ये हमें एक नए सदी के लिए हमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको जोड़ने के लिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं और ये एक नया आयाम होगा। बहुत बड़ा सपना लेकर के इस पर काम शुरू किया है और मुझे विश्वास है ये साइलोस को खत्म करके हमारे इस सारी व्यवस्था को एक नई ताकत देंगे।